अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सपर्ट ट्यूटर। और आज की इस क्लास में हम इस कमांड लाइन को, जो कमांड लाइन की विंडो है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट को ओपन किया है। आप जस्ट स्टार्ट, आप जब AutoCAD ओपन करेंगे तो आपको ये स्टार्ट पेज आएंगी। आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करें या पेज ओपन करें, या जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करें और एक न्यू ड्राइंग या डॉक्यूमेंट या फाइल ओपन करें। तो ये हमारे साथ कमांड लाइन है। इसमें हमें, इस कमांड लाइन में बेसिकली हमारे साथ जो हम कमांड या टूल एक्टिव करते हैं, अगर फर्ज करें मैं इस लाइन टूल को एक्टिव करता हूँ तो लाइन टूल आ जाता है, पर उसके नाम आ जाता है और उसके जो आइकान है वो आ जाता है। और ये बेसिकली हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने क्या करना। अगर मैंने लाइन टूल को एक्टिवेट किया तो ये कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैंने मतलब आप जो ड्राइंग इसमें फर्स्ट पॉइंट कहाँ पर लेना चाहो वहाँ पर क्लिक करें। मैंने एक फर्स्ट लाइन ले ली, अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट ले लें या अंडू ले लें। आप यहाँ ये टैब पर दे रहे हैं कि अंडू, देख रहे हो कि ये अंडू, अगर मैं अंडू पर क्लिक कर दूँ तो ये दोबारा जाएगा। अब फिर कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट। इस तरह अगर आप यहाँ अंडू पर देखें तो इसका ये ब्लू यू है, ये इसका शॉर्टकट है। तो आप अगर जस्ट यू क्लिक करें, यू सारी यू प्रेस करें और एंटर करें या स्पेस करें तो ये अंडू हो जाएगा। मैं फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ तो ये फिर नेक्स्ट पॉइंट के लिए मुझे कह रहा है, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लेता हूँ तो ये फिर आप देख रहे हैं कि अब मैं थर्ड पॉइंट को लेता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि अब क्लोज के लिए कह रहा है। अगर क्लोज में सी शॉर्टकट, अगर मैं सी प्रेस करूँ तो एक पाथ है क्लोज हो जाएगा। तो अगर मैं सर्कल को लेता हूँ और इसको सर्कल को जस्ट यहाँ पर ड्रा करते, आप देखें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि स्पेसिफाई रेडियस, मैं इतना रेडियस देता हूँ तो ये आ गया। अगर आपको कमांड के जो हिस्ट्री है कि यहाँ कितने कमांड जितने थे हमने अप्लाई की है, तो उसको लिए आप F2 प्रेस करें तो ये आपकी कमांड हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। तो आप यहाँ से भी हिस्ट्री देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप कमांड को क्लोज करना चाहते हो, यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। इस तरह आप ये देखें कि डिस्प्ले द कमांड लाइन विंडो अगेन प्रेस Ctrl 9। तो मैं यस करता हूँ कि डू यू वॉन्ट टू क्लोज द कमांड लाइन विंडो, यस। अगर मैं दोबारा ला जाऊँ तो मैं जस्ट Ctrl 9 प्रेस करूँ, नम पैड में 9, तो ये हमारे साथ दोबारा गया। मैं दोबारा इसको क्लोज करूँ तो Ctrl 9 से दोबारा क्लोज कर सकता हूँ, Ctrl 9 से दोबारा ला सकता हूँ। इसके अलावा मैं कमांड विंडो को यहाँ से किसी भी जगह पर मूव कर सकता हूँ जहाँ मुझे चाहिए। मैं इसको यहाँ पर मूव करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो आप इसे ईजिली से मूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं, मेरे साथ जितने भी टूल्स पैनल्स हैं विंडो है, वो ला कर है और वो इजीली मूव ना, मतलब वो मूव ना हो, बस ये इंटरफेस में ले जाए, तो आप जस्ट इस, ये जो आइकान है कस्टमाइजेशन यहाँ पर आए, फिर लॉक यू आई यहाँ पर नहीं आए, तो आप इस साइड बार से इसको ज़रा ड्रैग करें और लॉक यू आई पर को टिक कर दे, तो यहाँ आपके साथ ही आ गई। तो आप लॉक यू आई में डार्क विंडोज़ और फ्लोटिंग इस दोनों को ऑन करें। इस तरह ये आप ब्लू आइकान नजर, मतलब लॉक यूज़र इंटरफेस ऑन है, आप देख रहे। अगर मैं इसको किस पर क्लिक करूँ तो ये ऑफ हो गया, आप देख रहे कि लॉक यूज़र इंटरफेस ऑफ। अगर मैं ऑन करूँ, अब मैं अगर इसको मूव करूँ तो एक आप रेड आइकान नो, मतलब आप इसको नहीं कर सकते, मूव नहीं, फ्लोट नहीं कर सकते। फिर भी अगर मैंने करना है तो मैं जस्ट कंट्रोल की को प्रेस रखूँगा और इसको फिर मैं मूव कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं चाहता कि मैं लॉक यूज़र इंटरफेस को ऑन ऑफ करूँ, तरह मैं कर सकता हूँ, जब तक मैंने कंट्रोल की प्रेस रखा हो तो इस तरह मैं मूव कर सकता हूँ। फिर ये मैं नहीं कर सकता, कंट्रोल मैंने छोड़े, अब मैं फिर दोबारा कंट्रोल को प्रेस रखता हूँ, इसको दोबारा अपनी जगह पर लाता हूँ। तो इस तरह इसका कमांड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है, आप किसको यूज़ करें। अगर अब मैंने कोई कमांड टाइप नहीं किया है तो ये टाइप कमांड का कह रहा है। ये कमांड लाइन जो टूल है ये तकरीबन 1982-81 जब से AutoCAD बना है ये इसमें है, और ये जो AutoCAD जब डाज इंटरफेस था तो इसमें ये था, और ये अभी तक आ रहा है। ये बहुत ही यूज़फुल टूल है, और कमांड AutoCAD बेसिकली कमांड बेस ही एक एप्लीकेशन है। यहाँ ज़्यादातर टूल लोग कमांड ही यूज़ करते हैं और काम करते हैं, इन टूलों से मूव सेलेक्ट करना फिर आना ये बहुत कम कर लेंगे। मैं आपको ज़रा टूल पर क्लिक करके देखा हूँ ताकि आपको हर चीज़ समझ आ जाए। उम्मीद है कि आपको कमांड लाइन की ट्यूटोरियल पसंद आई होगी। So thanks for watching and see you in the next video.